मौलाना सूफियान निजामी ने सीएम योगी की तारीफ की है। हमारे सीएम की हिदायत बिल्कुल मुनासिब, निजामी का कहना है जहां तशद्दुद हुआ वहां बगैर इजाजत निकाली गई थी यात्राएं और दूसरी रियासत के वज़ीरे आला को हमारे सीएम से सीखने की जरूरत है। यहां रमजान भी है, यात्राएं भी निकल रही हैं, लेकिन कोई फसाद नहीं हो रहा है। तो कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर और तमाम त्योहारों के मौके पर यात्राओं को लेकर जो भी अहकाम जारी किए गए हैं उसकी चार जानिब से तारीफ हो रही है, तो वहीं मौलाना सूफियान निजामी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे सीएम की हिदायत बिल्कुल मुनासिब है, जहां तशद्दुद हुआ वहां बगैर इजाजत यात्राएं निकाली गई, तो वहीं दूसरी रियासतों को तरकीब हासिल करनी चाहिए। देखिए, हमारे वजीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है ये बिल्कुल मुनासिब है, और किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है। जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गईं, वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई, और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को, सूबे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जो भी निर्देश और जो भी हिदायतें जारी की गई हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं, और कानून व्यवस्था के नुक्ते नज़र से तमाम शर्तों पर, इन तमाम उसूलों पर अमल करने की भी ज़रूरत है।